हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का इस वीक 21st ऑफ अक्टूबर से लेकर 25th ऑफ अक्टूबर तक जो भी सिनेरियो रहने वाला है उसको अपने क्या करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मार्केट किस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और किस रेंज को इसको ब्रेक करने का इसका मन हो सकता है। सो सबसे पहले अगर अपने डिस्कस करें तो मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर है, राइट? तो मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर है, जिस सपोर्ट का है 24,689, जो इसका एक बेसिक सपोर्ट था। उस सपोर्ट से ही ये ऊपर क्या कर रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर अपने देखते हैं, सबसे पहले अगर अपने देखते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, इस वीक के अंदर मार्केट क्या सिनेरियो कर रहा है। वीक के अंदर अभी भी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है सपोर्ट से, जैसा उसने जंप किया प्रीवियस सपोर्ट से, कि जब यहाँ पे आया था पिछली बार, यहाँ पे आया था और यहाँ पे आने के बाद जब ये फिर से जंप किया, तो ये एक अच्छा पॉइंट नजर आता है कि यहाँ से आने के बाद फिर से यहाँ पे आया और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो वी कैन थिंक ओवर द मार्केट कैन मूव अप। और एक चीज और, दिस इज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड अथॉरिटी, सो डेफिनेटली आपको जो भी आपके लॉसेज होंगे उसके लिए हम लायबल नहीं है। तो एज पर द डिस्क्लेमर आई एम सेइंग टू यू कि आपको जो भी डिसीजन लेना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछ के लेने हैं, एंड दिस इज ओनली अ नॉलेज पर्पस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी वीकली बेसिस के ऊपर, लेकिन अगर अपने डेली बेसिस या फिर अपने 30 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिपल बॉटम भी बना, डब्ल्यू पैटर्न बनाता नजर आ रहा है। तो वी आर थिंकिंग लाइक दिस कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करने की संभावना है। अगर मार्केट कल 25,000 इस रेंज से बेटर है कि इस रेंज को ब्रेक करता है, यानी कि मार्केट की कल जो रेंज रहेगी, अगर मार्केट कल सुबह मॉर्निंग में वी विल डिस्कस ओवर कि अगर इस रेंज को भी ब्रेक करता है, ओपन ऊपर हाई 25,000 के ऊपर भी अगर ये यहाँ पे भी आता है 25,050 के ऊपर, देन द फर्स्ट टारगेट इज 25,220 एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 500 एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,797। तो इस तरीके से मार्केट का ऊपर बढ़ने का पूरा एक पॉइंट है। लेकिन अपने एक नीचे का व्यू भी अगर लेते हैं तो यहीं से मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ मूव ऑन करने लग जाता है। तो नीचे की तरफ मूव करने का सबसे बड़ा जो इसका टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो वो जो टारगेट नजर आ रहा है वो आ रहा है, द फर्स्ट सपोर्ट इज 24,084, ऑल राइट। जो पहला 24,560 अगर ब्रेक करता है, 24,560 अगर ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट जो अपना रहेगा वो 24,200 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर अपने निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है पुट राइटर्स का यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे पुट थोड़ी सी स्ट्रेंथ में नजर आती है। तो मार्केट यहाँ से भी थोड़ा अप में नजर आता है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो पॉइंट थे वो काफी कम थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पे लोगों ने काफी अच्छा मूव, काफी यहाँ पे जो है नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पे ओआई इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल आईवीबी क्या है इसके 10 है। सो डेफिनेटली वी कैन से कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है मार्केट कॉल राइटर्स को निग्लेक्ट करते हुए कॉल बायर्स की तरफ अग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि कॉल यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कॉल बाय की जा रही है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे जैसे यहाँ का प्रीमियम बढ़ा और जैसे यहाँ का प्रीमियम डाउन होता जा रहा है, उसके कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि पुट राइट हो रही है मार्केट से, ठीक है, पुट राइट हो रही है और यहाँ पे जो कॉल्स हैं वो बाइंग की तरफ जा रही है। सो सिमिलरली इस वीक का जो सिनेरियो रहेगा वो पॉजिटिव सिनेरियो नजर आता है मुझे, लेकिन बाकी मार्केट का जो सिनेरियो रहेगा वो उसके हिसाब से ही चलेगा। चलिए नेक्स्ट थिंग अब वी विल डिस्कस ओवर देयर कि यहाँ पे जो ऑप्शन चेन है वो भी हमें एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ देखती नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर अपने एक डिस्कस करें कि अपना क्या क्या पॉजिटिव है, तो सबसे पहली चीज अपने डिस्कस करें कि जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, ऑप्शन चेन हमें पॉजिटिव नजर आ रही है, फ्यूचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्यूचर्स भी हमें वहां पे पॉजिटिव की व्यू ही दे रहे हैं। ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के अलावा वी विल सी द यूएस प्री मार्केट
ओके, ग्लोबल मार्केट भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही नजर आ रही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे डो जोन्स भी हमें कई चीजें मैक्सिमम में पॉजिटिव नजर आता है, S&P भी पॉजिटिव नजर आ रहा है कई जगह, बस CVS हेल्थ केयर, कुछ हेल्थ सेक्टर्स के अंदर माइनस जरूर है, लेकिन ओवरऑल नेस्डेक भी हमें क्या जो है पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। सो टेक्निकल IT सेक्टर जो है यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज द न्यूज बेस। न्यूज बेस ये रहता है कि मार्केट के अंदर जो रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट जो HDFC का रिजल्ट है वो भी हमें पॉजिटिव ही शो कर रहा है, साथ ही साथ एक्सिस का रिजल्ट आ चुका है जो कि पॉजिटिव रहा, और साथ ही साथ कोटक का जो रिजल्ट है वो लिटिल बिट नेगेटिव की तरफ है, लेकिन फिर भी उससे इतना इफेक्ट मार्केट में नहीं पड़ना चाहिए जितना हमें समझ में आ रहा है। ऑल राइट, सो ऑप्शन चेन इज पॉजिटिव, मार्केट इज पॉजिटिव, तो स्टिल वी आर टारगेटिंग आर जोन की निफ्टी नेक्स्ट वीक, फिर से इस वीक फिर से वी विल सी इट हियर 26,250। सो वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग दिस। ऑल राइट, वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग दिस कि मार्केट फिर से यहां से W पैटर्न बना के अप की तरफ जाएगा, लेकिन अगर मार्केट यहां से 25,500 के नीचे आता है या इसको ब्रेक करता है, 750 को ब्रेक करता है तो 512, और उसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहां पे 24,000 तक की पुट को भी बाय करने की हम सोच सकते हैं। तो मार्केट का क्या सिनेरियो बनता है, अगर आपने कॉल बाय कर रखी है तो डेफिनेटली मार्केट को वेट करना, थोड़ा सा वेट करिए, इसको देख सकते हैं अपने, लेकिन अगर पुट बाय करी है तो लिटिल बिट यहाँ पे क्या दिख रही है हमें, रिस्क दिख रही है। ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।